क्या आप जानते हैं भारत में श्रीलंका जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन की जरूरत पड़ती थी? Do you know once there was a train route between India and Sri Lanka? नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और रोचक वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका जाने के लिए हमें बोट या फिर एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ता है। श्रीलंका जाने का कोई और सड़क मार्ग या ट्रेन रूट मौजूद नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच गहरा समुद्र है। इस समुद्र को पार किए बिना श्रीलंका जाना संभव नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय भारत से श्रीलंका जाने का एक सीधा रास्ता भी मौजूद था। एक ट्रेन भारत के चेन्नई शहर से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक जाती थी। इस ट्रेन के जरिए भारत का कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक टिकट लेकर श्रीलंका जा सकता था। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात रामायण के समय की है। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार असुर सम्राट रावण भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण करके श्रीलंका ले गए थे। माता सीता को बचाने के लिए प्रभु श्री राम को हर हाल में लंका पहुंचना था, लेकिन उनके रास्ते में गहरा समुद्र था। इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रभु श्री राम ने कई दिन समुद्र देव की पूजा की, लेकिन कई दिन बाद भी समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। गुस्से में प्रभु श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। प्रभु श्री राम के इस कदम को देखकर समुद्र देव डर गए और प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हो गए। समुद्र देव ने भगवान श्री राम से कहा कि वे समुद्र पर पत्थरों का पुल बना लें, मैं इन सभी पत्थरों का बोझ संभाल लूंगा। इसके बाद भगवान श्री राम ने वानरों की सेना की मदद से समुद्र पर पुल बनाना शुरू कर दिया। महज 5 दिनों में यह पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर बताई जाती है। इस पुल का नाम राम सेतु रखा गया। ये पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। रामायण की ये कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। समय के साथ साथ ये पुल भी धीरे धीरे कमजोर होकर टूटता रहा। आज इस पुल के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। इन्हीं अवशेषों के ऊपर कुछ समय पहले एक ट्रेन रूट बनाया गया था जो भारत को सीधा श्रीलंका से जोड़ देता था। भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाली इस ट्रेन का नाम था बोट मेल। इस ट्रेन को इंडो सीलोन नाम से भी जाना जाता था। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो भारत से सीधा श्रीलंका पहुंचा देती थी। बोट मेल भारत की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक मानी जाती है। ये ट्रेन 19वीं सदी से ही भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती आ रही है। शुरुआत में इस ट्रेन का रूट थोड़ा अलग था। पहले ये ट्रेन चेन्नई से थोतुकुड़ी जाती थी और फिर थोतुकुड़ी से स्टीमर बोट के जरिए लोग श्रीलंका के कोलंबो तक जाते थे। इस रूट को तय करने में 21 घंटे 50 मिनट का समय लगता था। साल 1914 में पंबन ब्रिज बनने के बाद इस ट्रेन का रूट चेंज कर दिया गया। अब ये ट्रेन चेन्नई से धनुषकोडी तक जाती है। धनुषकोडी पहुंचने के बाद सभी यात्री स्टीमर नाव के जरिए तलाई मन्नार तक जाते थे, जहां से उन्हें दूसरी ट्रेन सीधा कोलंबो तक पहुंचा देती थी। स्टीमर नाव व दूसरी ट्रेन का खर्चा टिकट में ही सम्मिलित होता था। यात्रियों को सिर्फ एक टिकट लेना होता था और वो भारत से श्रीलंका पहुंच जाते थे। इस नए रूट ने रास्ते को अधिक आसान और छोटा बना दिया था। पिछले रूट के मुकाबले इस रूट से सफर करने पर काफी समय बच जाता था। लंबे समय तक ये ट्रेन लोगों को श्रीलंका पहुंचाने का काम करती रही। साल 1964 में एक ऐसी घटना घटी कि इस ट्रेन का रूट हमेशा के लिए चेंज हो गया। जो ट्रेन पिछले कई दशकों से लोगों को भारत से श्रीलंका ले जाने का काम कर रही थी, अचानक हुई उस घटना का शिकार हो गई। साल 1964 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक दिन अचानक एक भयंकर साइक्लोन तूफान आया और सब कुछ तबाह कर गया। ये तूफान 18 दिसंबर 1964 से 26 दिसंबर 1964 तक चलता रहा। इस दौरान इस तूफान के रास्ते में जो भी आया उसने उसको तबाह कर दिया। ये तूफान भारत में आने वाले सबसे तेज भवंडर तूफानों में से एक था। इस तूफान के संकेत पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। 15 दिसंबर को अंडमान समुद्र क्षेत्र में कुछ हलचल देखी गई थी। 18 दिसंबर तक इस तूफान ने भवंडर का रूप ले लिया था। 23 दिसंबर तक ये तूफान बेहद भयंकर रूप ले चुका था। इस समय इस तूफान की हवा लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी। अब इस तूफान ने भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। उसी दिन ये तूफान भारत के पंबन आइलैंड पर पहुंच गया। 3 दिन तबाही मचाने के बाद ये तूफान आखिरकार 26 दिसंबर को समाप्त हुआ, लेकिन तब तक ये अपना कहर ढा चुका था। तूफान के समाप्त होने के बाद पता चला कि इसने कितना नुकसान पहुंचाया है। इस तूफान की चपेट में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका भी आया था। भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी इस तूफान ने बहुत नुकसान किया था। इस तूफान ने लगभग 1800 लोगों की जान ली थी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक थी। 22 दिसंबर को तूफान ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर हमला किया। तूफान के इस हमले के कारण 5000 घर और 700 मछली पकड़ने वाले जहाज पूरी तरह तबाह हो गए।
पंबन आइलैंड पर मरने वालों की संख्या लगभग 1000 थी। श्रीलंका में इस तूफान को इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का नाम दिया गया। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर पंबन आइलैंड पर हुआ। 3000 से ज्यादा लोग घायल होकर आइलैंड पर फंस गए थे। इन लोगों में ज्यादातर बाहर से आए हुए टूरिस्ट थे। तूफान के कारण लगभग 11.5 अरब रुपयों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। इस तूफान ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पंबन ब्रिज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। आइलैंड पर मौजूद सभी कम्युनिकेशन लाइंस बर्बाद हो गई थी। आइलैंड पर लोग 3 दिन तक बिना खाए पिए घायल हालत में इधर उधर मदद के लिए भटकते रहे। जब तूफान थम गया तो लोगों को हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई गई। एयरफोर्स की मदद से लोगों को खाना और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस तूफान ने अगर किसी एक घटना या शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था तो वो था धनुषकोडी। भारत और श्रीलंका को ट्रेन के जरिए जोड़ने में धनुषकोडी का बहुत बड़ा हाथ था। चेन्नई से चलने वाले बोट मेल ट्रेन का आखिरी स्टेशन धनुषकोडी हुआ करता था। धनुषकोडी से श्रीलंका जाने के लिए स्टीमर बोट का उपयोग किया जाता था। धनुषकोडी से कोलंबो का यह सफर सिर्फ 35 किलोमीटर का हुआ करता था। साइक्लोन तूफान ने धनुषकोडी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस तूफान के कारण मरे कुल 1800 लोगों में से 800 लोग सिर्फ इस छोटे से टाउन के थे। साइक्लोन तूफान से पहले धनुषकोडी को पंबन आइलैंड का कमर्शियल सेंटर कहा जाता था। इस छोटे से टाउन में एक रेलवे स्टेशन, एक कस्टम ऑफिस, एक पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एक रेलवे हॉस्पिटल, एक पंचायत यूनियन डिस्पेंसरी और एक हायर एलिमेंट्री स्कूल हुआ करता था। यही कारण था कि धनुषकोडी को कमर्शियल सेंटर कहा जाता था। साइक्लोन तूफान ने इस पूरे टाउन को बर्बाद कर दिया। इस टाउन में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची थी कि जिसको इस तूफान ने बर्बाद ना किया। तूफान ने धनुषकोडी रेलवे स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया था। यही स्टेशन भारत और श्रीलंका को जोड़ने का मुख्य केंद्र हुआ करता था। जिस समय ये साइक्लोन तूफान धनुषकोडी पहुंचा था, उसी समय बोट मेल की एक पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को लेकर धनुषकोडी की तरफ आ रही थी। ये 22 दिसंबर 1964 की एक अंधेरी रात थी। रात के लगभग 11:55 का समय हो रहा था। ट्रेन नंबर 653 आगे आने वाले खतरे से अनजान धनुषकोडी की तरफ बढ़ रही थी। ये इस ट्रेन के लिए रोज का काम था। ये ट्रेन रोजाना यात्रियों को धनुषकोडी तक पहुंचाती थी, जहां से यात्रियों के लिए स्टीमर तैयार खड़ा मिलता था। तूफान की वजह से ट्रेन को दिया जाने वाला खतरे का सिग्नल ट्रेन तक नहीं पहुंच पाया। तूफान की वजह से मौसम बहुत खराब था। ड्राइवर ने सिग्नल के लिए कुछ समय इंतजार किया। जब उसको आगे से कोई सिग्नल नहीं मिला तो उसने रिस्क लेने का सोचा। ड्राइवर ने रिस्क लेकर ट्रेन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कुछ देर आगे जाने के बाद ही ट्रेन तूफान की चपेट में आ गई। उस दिन तूफान की हवा की रफ्तार लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज के समय में इतनी तेज रफ्तार वाले तूफान को सुपर साइक्लोन तूफान कहा जाता है। 23 फुट ऊंचे इस तूफान से टकराने के बाद ट्रेन अपने सभी 6 डिब्बों के साथ समुद्र में गिर गई। कोई भी व्यक्ति इस हादसे में बच नहीं पाया। बताया जाता है कि उस समय ट्रेन में लगभग 200 लोग मौजूद थे। ये सभी लोग हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में खो गए। आज इस घटना को हुए 56 साल बीत चुके हैं। आज भी धनुषकोडी वीरान पड़ा हुआ है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने धनुषकोडी को घोस्ट टाउन घोषित कर दिया था। साथ ही सरकार ने इस टाउन को इंसान के रहने के लिए खतरनाक और इनहैबिटेबल भी घोषित कर दिया है। कोई भी इंसान अब इस टाउन में नहीं रहता है। धनुषकोडी में बनी इमारतों के अवशेष अभी भी वहां मौजूद हैं। इस टाउन के बर्बाद होने के बाद इंडिया से श्रीलंका जाने का ये ट्रेन व स्टीमर का सफर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज ये बात लोगों को याद भी नहीं है कि श्रीलंका जाने के लिए ऐसा भी कोई रूट हुआ करता था। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।